वर्तमान सीभियर साइक्लोनिक स्टर्म 50 किलोमीटर दूर रे अछि पारादीप ठारु आउ धामरा ठारु 60 किलोमीटर दूर रे अछि एवं सागर आइलैंड ठारु 170 किलोमीटर दूर रे अछि। लैंडफॉल प्रोसेस स्टार्ट हो जाइछि, एटा कंटिन्यू करिव सकाळ सकाळ पर्यंत। पवन एबे बढ़ी चली, मोस्टली आपण जब देखिए पारादीप पवन बढ़ला, आ पारादीप पवन गति रही तेबे निर्देशिका आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्रर मनोरमा महांती जे वर्तमान बात्या संपर्क सूचना दबाउ 30 किलोमीटर पर आवर पवन बही चली, आगु पवन गति बढ़िवार संभावना रही। आउ जदि देखिबा वर्षा पारादीप एपर्यंत 42.4 मिलीमिटर वर्षा होती, चांदबाली 35.0 मिलीमिटर, बालेश्वर 29.8 मिलीमिटर वर्षा एपर्यंत रिपोर्ट कर। वर्षा देखा मिले, आगे आगे वर्षा भी बढ़ पवन भी बढ़ संभावना रही। धीरे धीरे ग्राजुअली बढ़ी चलो, जमी सेभियर साइक्लोन जमी पाखु पाखु आसमें जमी विंड देचु मोस्टली सेमती विंड आसो 110 किलोमीटर गस्टिंग टू 120 किलोमीटर पर आवर चल सकोमी। निर्देशिका आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र जहाँ सूचना दौले, जेहेतु लैंडफॉल प्रोसेस लैंडफॉल प्रक्रिया आरंभ हो सारी सकाल पर्यंत यह चल, आउ वर्षा ताछड़ा पवन बेग बढ़ी बढ़ी चलो, किंतु जो अनुमान जहाँ पूर्व सूचना रही पवन बेग 100-110, गस्टिंग विंड 120 पर्यंत रिच्छे अधिक हम ना से कौन परिवर्तन होना, किंतु वर्तमान जहाँ सूचना रही यार लैंडफॉल प्रोसेस आरंभ हो सारी, आउ जहाँ पूर्व सूचना रही कि धामरा भितरकनिका भितर यह हिट हम ताकि परिवर्तन से किंतु वर्षा पवन बेग आहुरी बढ़ सकाल पर्यंत ये प्रोसेस चलो प्रक्रिया चलो, ये 4-5 घंटा वर्षार परिमाण टिके अधिक बढ़ पवन बेग अधिक बढ़ जहाँ से कहते चांदबाली कथा कहतु, बालेश्वर कथा कहतु, केन्द्रापड़ा कथा कहतु, यह सब स्थान में वर्षा टिके अधिक होषण वर्षा हो सीभर साइक्लोन रूप नब बात्या दाना वर्तमान समय धीरे धीरे किभली भाव तार कराल रूप देखा सकाल पर्यंत यह भाव तार रूप देखा मिल। जो मैंने बाहर अच्छा बात्या आश्रयस्थल को जाती से बारंबार अनुरोध कराला कि से तुरंत बात्या आश्रयस्थल को चली जातु, कारण समुद्र अशांत रही, उच्च ज्वार उठू, स्थलभाग छुईबार प्रक्रिया आरंभ हो दानार, तेणु ये 4-5 घंटार समय बेस गुरुत्व रखुच्छे। सका हे तो कौन क्षयति होती भाव बर्षार प्रभाव रोचे ताकू नहीं कि परवर्त समय सूची कौन रोच आसव मॉनिटरिंग परे परवर्त समय चित्र सामनाक आसव, किंतु वर्तमान समय सबुठ अपडेट खबर कि लैंडफॉल प्रक्रिया वर्तमान आरंभ हो सारे।